السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, student? I hope you all are fine. Today in our VD topic is Hifzul Hadith. Student, previous videos revision Hadith 125 on Imaniyat, on Ibadat, on Muamlat, on Muasharah, and on Akhlaqiyat. Today, lesson 4 this year's, lesson number 2, Hadith number 6. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको 5 हदीसें याद करवा दी, आपने याद कर ली होगी। गोया के 40 हदीस के अंदर से 5 हदीस आपने जबानी याद कर ली, बाय हार्ट याद कर ली। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो 40 हदीसें याद करेगा उसके लिए क्या बेनिफिट है, मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि जिसने 40 हदीसें याद की वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो 40 हदीस याद करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपने 5 हदीसें याद कर ली होगी उसके मीनिंग के साथ, और आपने उसको दूसरों को भी शेयर किया होगा। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी हदीस है, लेसन नंबर 2, हदीस ऑन ईमानियत, हदीस नंबर 6, जो उससे पहले हदीस थी, हदीस 1, 2, 3, 4, 5, आज हमारी हदीस है हदीस नंबर 6 ऑन ईमानियत, यानी ईमानियत के ऊपर से। पहले भी यही टॉपिक आए थे लेकिन हदीसें अलग थी, यहाँ पर 6 नंबर की जो हदीस है वो टॉपिक सेम है हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 6 का, लेकिन हदीस डिफरेंट है, हदीस अलग है। वहाँ पर हदीस थी अद्दीनु युसरुन, ये ईमानियत के ऊपर थी। यहाँ पर भी हदीस ईमानियत के ऊपर है लेकिन हदीस अलग है, दूसरी हदीस है। हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, ट्रांसलेशन वेली एक्शंस आर जज अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। प्यारे बच्चों, यहां पर उसका तर्जमा बताया गया है हदीस का के आमाल का दारोमदार, यानी आमाल का वैल्यू किसके ऊपर है, नीयत के ऊपर है। कि अगर हमारी नीयत सही है तो उस अमल का सही सवाब मिलेगा, और अगर हमारी नीयत सही नहीं है तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। तो उसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। यानी एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी नीयत के अंदर हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये जो कुरान पढ़ रहा हूं वो मेरे बाजू में बैठा हुआ मुझे देखकर कहेगा कि ये तो बहुत कुरान पढ़ने वाला है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता है, ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है। ये हम दूसरे से चाहत रखते हैं कि ये मुझे ये कहे। तो हमने जो कुरान पढ़ा है वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि हमने जो कुरान पढ़ा वो उस दूसरे आदमी जो हमारे बाजू में बैठा हुआ है उसके लिए पढ़ा कि वो मुझे कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छा तिलावत कर रहा है, बहुत सही सही पढ़ रहा है। इसके लिए हमने ये, हमारे दिल के अंदर अगर ये नीयत आ गई
ये बात आ गई तो समझ लो कि उस पर्दे के ऊपर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उस वक्त हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मैं ये जो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह मुझसे राजी हो जावे और उस पढ़ने के ऊपर अल्लाह मुझे इनाम देने वाले हैं, सवाब देने वाले हैं, तो फिर प्यारे बच्चों आपको उसका सवाब मिलेगा। इसलिए कि आपकी नियत सही है, आपका इरादा सही है, और अगर आपका इरादा गलत हुआ तो आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए ये हदीस के अंदर यही बताया गया है कि तुम्हारा जो आमाल, जो भी कोई अमल कर रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट है वो नियत है, आपकी नियत सही होनी चाहिए। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने किसी को 1000 रुपीस दिए, आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मैं उसको जो 10,000 रुपया या 1000 रुपया दे रहा हूं, वो लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़ा मालदार है, उसने तो उसको 1000 रुपया दिया, उसने तो उसको साइकिल दिला दी, उसने तो उसको घर बनवा दिया, लोग ये कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये उसने ये काम अल्लाह के लिए नहीं किया। क्यों? कि अगर वो ये नियत रखता कि ये जो मैं मकान बनाकर गरीब को दे रहा हूँ या पैसा दूसरे को दे रहा हूँ, तो ये अल्लाह उससे राजी हो जावे, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर उस घर के बदले में दूसरा घर देंगे, उस नियत के साथ उसने ये काम किया होता तो अल्लाह ताला उसको अमल को कबूल फरमाते। लेकिन उसने तो, उसकी नियत तो ये थी कि लोग मुझे मालदार कहेंगे, इसलिए उसकी वजह से उसकी नियत और उसका इरादा सही नहीं था, इसलिए उसके ऊपर, उसके इस अमल के ऊपर कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। इसलिए कयामत के दिन भी अल्लाह ताला मालदार को भी बुलाएंगे और जो पहलवान होगा उसको भी बुलाएंगे, जवान को भी बुलाएंगे और आलिम को भी बुलाएंगे, और सबसे अलग अलग सवाल किया जाएगा कि हमने आपको माल दिया था, उसको कहाँ खर्च किया, हमने आपको जवानी दी थी वो आपने किस में खर्च की, हमने आपको इल्म दिया था वो आपने उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाया। प्यारे बच्चों, अगर सही माने में उसका सही फ़ायदा उठाया होगा और हमारी उसकी नीयत सही होगी, तो कल अल्लाह ताला उसके बदले में इनामात देंगे, और अगर हमारी नीयतें सही नहीं थी तो उसके बदले में हमें सजा मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, कोई भी अमल हम करें, हमारी नीयत सही होनी चाहिए। अगर 1 रुपया भी गरीब को हम दे रहे हैं मांगने, तो हमारी नीयत ये हो कि इस देने की वजह से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के लिए मैं दे रहा हूँ। नमाज के अंदर कोई भी अच्छा अमल करे, आप नमाज पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी नीयत ज़रूरी है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसके लिए नियत ज़रूरी है। आपकी नियत सही होगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर आपको सवाब मिलेगा, और अगर आपकी नियत सही नहीं है तो उसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी को कहेंगे कि आपने जिसके लिए वो अमल किया था उसके पास से उसका सवाब ले लो, मेरे पास नहीं है। क्यों? कि आपने तो ये अमल मेरे लिए नहीं किया है, मेरी रजामंदी के लिए ये अमल नहीं किया है, मुझे राजी करने के लिए नहीं किया है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई अमल करें तो सबसे पहले हम नियत कर लें कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह ताला ने इस काम के ऊपर जिन बातों का वादा किया है
अल्लाह ताला वो मुझे अता फरमाए, तो क्या होगा उससे कि उससे अल्लाह ताला के यहाँ हमारा ये अमल कबूल होगा और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो वादे बयान फरमाए हैं वो भी अल्लाह ताला हमको अता फरमाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें जब भी कोई अमल करे हमें नियत करना है और नियत भी सही करना है। तो यहाँ पर बताया गया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार, आमाल का वैल्यू उसकी नियत पर है। अगर नियत गलत है तो आपका अमल रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि हर काम में अच्छी नीयत होनी चाहिए, बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए। कैसी नीयत होनी चाहिए? अच्छी नीयत होनी चाहिए हर काम में। जो भी हम काम कर रहे हो तो अच्छी नीयत होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अजान हो गई, अब हम जब घर से जा रहे हैं तो हमारे दिल के अंदर ये नीयत होनी चाहिए कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो उस वक्त क्या होगा कि जितने कदम हम चलेंगे अल्लाह ताला हर कदम के ऊपर उसका अज्र देंगे, उसका सवाब देंगे। क्यों? कि हमारी नीयत नमाज की है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस नीयत की वजह से उसको उसका सवाब देंगे। हम कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारे दिल के अंदर ये भी नीयत होनी चाहिए कि मैं कुरान पढ़ने के लिए मदरसे जा रहा हूँ। तो जितने कदम मदरसे पहुँच तक आप चलेंगे अल्लाह ताला इतने कदमों के बराबर आपको सवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, हर काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू, अच्छी नीयत वाले काम में अल्लाह ताला की मदद होती है। हाँ, जिस काम के अंदर अच्छी नीयत होती है उसके अंदर अल्लाह ताला की मदद होती है। अल्लाह हमारी मदद करता है, अल्लाह हमारी हेल्प करता है। इसलिए हमें हर काम के, हर अच्छे काम के अंदर नीयत करनी चाहिए। इसके बाद नंबर थ्री, किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों, हम कोई भी अमल करेंगे तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करेंगे। अगर आपने दिखाने के लिए किया तो गोया वो काम आपने अल्लाह के लिए नहीं किया, बल्कि वो काम आपने उस आदमी के लिए किया जिसको आप दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे काम के करने के बाद अल्लाह से कोई चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने ये अमल जो किया है वो अल्लाह के लिए नहीं किया, बल्कि आपने तो दूसरे को दिखाने के लिए किया है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी नीयत से करेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये लेसन है नियत का सही करना, नियत को सही करना। अगर नियत सही हुई तो हमारे अमल भी सही होंगे, अगर नियत गलत हो गई तो हमारा पूरा अमल गलत हो जाएगा। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर आता है जिसका खुलासा है, आप सासन ने फरमाया कि अगर वो उहद पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, के बराबर भी अगर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे लेकिन उसकी नीयत सही ना हो तो उसको कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी छोटा अमल करता है लेकिन उसकी नीयत सही है, अल्लाह की रजा है, अल्लाह को खुश करना है, तो वो उहद पहाड़ से भी बढ़ जाएगा। यानी ये छोटा अमल उसका बड़ा वैल्यू है उस उहद पहाड़ के बराबर अमल करने से। तो प्यारे बच्चों, हमें आज से इंशाल्लाह नियत करनी है कि हम जब भी कोई अच्छा अमल करेंगे, काम करेंगे, तो सबसे पहले नियत करेंगे
और इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन था नियत को सही करना, आपको भी उसको याद रखना है और दूसरे बच्चों को भी ये बताना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।